हे गाइस, आज है संडे 2nd of July और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:41 एंड वेलकम टू बिग बैंग। गाइस, ऐसे तो मैं हर वीक में कोई ना कोई आइडिया लेके आता हूँ और उस पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इस वीक मेरे पास कोई आइडिया अभी तक है नहीं, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सेटअप वेटअप दिखा देते और डे टू डे रूटीन जो होता है उसको शेयर करते हैं। मुझे पता है कि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। तो गाइज, मैं जस्ट नहा धो के अभी आया, संडे था, अभी बज रहे हैं 9:41, संडे था इसलिए थोड़ा लेट से उठा, तो अभी जाते हैं, अभी थोड़ा बाल वाल मेरा गीला है तो इसको ठीक करके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मेरा सेटअप जो कि भयानक है। सो गाइज, मैं तैयार होके आ गया और मैं अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा क्या सेटअप रहता है नहीं रहता है। तो बिग बैंग चैनल है, जैसे इस चैनल में सब कुछ बड़ा होता है वैसे ही यहाँ का सब सेटअप जो है एकदम मिनिमम है। मेरा जो पहला सेटअप आता है वो तो आप देख ही रहे, ये घर ठीक है, वो भी मेरा नहीं है, तो मेरे को जहाँ मिलता है मैं वहाँ घुस जाता हूँ और वीडियो बनाने लग जाता हूँ। दूसरा है मेरा फ़ोन, मेरा फ़ोन जो है वो है OnePlus 10R। पहले मेरे पास था Redmi Note 7 Pro, उससे मैं शूट कर रहा था, लेकिन उसमें कैमरा उतना अच्छा नहीं था, तो कैमरे से भी ज़्यादा एक और प्रॉब्लम था मेमोरी का। तो उसमें मेमोरी का क्या इशू था कि वहाँ पर एक्सटर्नल कार्ड भी डाला हुआ था, लेकिन क्या होता था जब भी मैं वीडियो एडिट करता था और उसको सेव करने जाता था वो इंटरनल मेमोरी पे ही लेता था, इंटरनल मेमोरी पे कुछ ऐप्स था तो वो ऐप्स वो जगह लेता था। फिर वीडियो मैं जैसा वीडियो बनाता हूँ, जैसे रिसेंटली मैंने 10 घंटे का एक वीडियो अपलोड किया है, तो मैंने 10 घंटे कंटिन्यू शूट किया है और वो वीडियो मैंने अपलोड किया, तो वो वीडियो कहीं से भी पॉसिबल नहीं था उसमें एडिट करना। लैपटॉप में जाते हैं तो लैपटॉप में जो सब एप्लीकेशन मिलता है मैक्सिमम तो तुम्हारा पेड है, और फोन पे जो सब एप्लीकेशन है उसमें मतलब सिर्फ वाटरमार्क हटाना होता है और जितना मिलता है उससे काम चल जाता है। मे बी मतलब डेस्कटॉप में भी ऐसा कोई एप्लीकेशन हो जिससे मेरा काम चल जाए तो तुम लोग जरूर सजेस्ट करना कमेंट पे अगर पता हो तो। मेरा तीसरा सेटिंग जो है वो है ये है मेरा ट्राईपॉड, बेसिकली स्टैंड है जहाँ पर मैं फ़ोन रखता हूँ, तो इधर पे मैं फ़ोन रखता हूँ और मतलब यही है जो है, और ये बहुत लंबा होता है, मतलब ये 6 फीट के 6.5 फीट के ऊपर जाता है, तो ये बहुत लंबा होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मतलब इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, मतलब इतना ही, तो मैं अगर नीचे यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ या कर रहा हूँ तो ये नीचे होता नहीं है, तो ये ऐसे ही सीधा रहता है, तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आता है। तीसरा मेरे पास जो मिक है वो है कुछ नहीं, जी हाँ दोस्तों, मतलब मेरे पास कोई मिक नहीं है, मैं बिना माइक के बोलता हूँ, मैं जितना हो सके जोर से बोलता हूँ। अभी मुझे एक मिक लेना है, बिकॉज क्या होता है कभी कभी इको होता है या फिर पीछे का साउंड आता है, तो उससे क्या होता है उससे वॉइस क्लियर नहीं आता और तो उससे प्रॉब्लम होता है, मतलब वीडियो अच्छा नहीं बनता है। ठीक है, कैमरा तो चल जाता है फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन अगर वॉइस आपका ठीक नहीं होता है तो खराब लगता है। और एक चीज़ है मेरे सेटअप में, वो है ये वाला लाइट। तो ये क्रॉम्पटन का 60 वाट वाला एक लाइट है, इस घर पर एक ट्यूबलाइट है, एक छोटा सा वो लाइट है पीएल टाइप का और ये ट्यूबलाइट। मैं जब भी शूट करता हूँ यहाँ पर इस रूम पे तो मैक्सिमम टाइम सुबह के टाइम ही करता हूँ, ताकि वो जो रोशनी है वो आती रहे, नॉर्मल जो सनलाइट है वो आती रहे, तो उसमें प्रॉब्लम कम हो जाता है। लेकिन जैसे मैं पिछला 2 वीडियो जैसे शूट किया था दोनों अलग जगह पे, तो वहाँ पर एक जगह पे तो लाइट ही नहीं था और एक जगह पर पीएल था, बहुत ही कम वाट का लाइट था, तो उस पर वीडियो मतलब बनाना प्रॉब्लमेटिक है, तो इसीलिए मैंने ये एक लाइट खरीदा है ताकि प्रॉब्लम ना हो लाइटिंग में। यही था ओवरऑल सेटअप। अगर और पूछोगे तो मैं जब इस रूम पे रहता हूँ तो ये चेयर मैं यूज करता हूँ, इस चेयर पे मैं बैठता हूँ, और इधर पे मेरा रहता है ट्राईपॉड और ये है टेबल, थोड़ा गंदा है मैनेज कर लेना। तो अभी चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट अभी तक मैंने नहीं किया है तो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सा मिक अच्छा है अमेज़न पे, तुम लोगों को दिखाते हैं। तो गाइज, मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है और ब्रेकफास्ट में मैं आज जो कर रहा हूँ वो है दही और मुइसली कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मुइसली कहते हैं शायद, दही और मुइसली उसमें गुड़ दे के थोड़ा मिला के खा रहा हूँ, संडे का ब्रेकफास्ट। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग मीक देखेंगे कि कौन सा वाला अच्छा होता है, तो उस पर थोड़ा रिसर्च करेंगे आज। तो गाइस, मैं संडे को तो वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट पे ज़रूर बताना कि संडे को कौन क्या करता है, क्या स्पेशल प्लान रहता है तुम लोगों का, तो शायद मैं अभी वो कॉपी करने लगूँ। ठीक है, मेरा प्लान तो ये है, घर पर बैठो वीडियो बनाओ और क्या। वैसे मैं सोच रहा था कि बाइक लेके थोड़ा निकलूँ, लेकिन बाहर बहुत धूप है तो देखते हैं शाम को निकलेंगे मे बी। तो गाइस, अभी मेरा खाना कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी ये बर्तन रख देता हूँ। और बोलो संडे कैसा चल रहा है सबका? तो मेरा तो ऐसे ही बोरिंग चल रहा है और कुछ करने को है नहीं वैसे,
जाने का ज्यादा जगह है नहीं इधर पे, तो लाइट थोड़ा कम आ रहा होगा। लाइट वैसे बंद है घर का, तो बाहर का ही लाइट आ रहा है। वैसे तुम लोग कमेंट पे बता सकते हो कि मतलब सेटअप के लिए और क्या क्या मिनिमम चीज मैं ले सकता हूँ कम खर्चे में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ चाहिए होता है। देखते हैं, अभी थोड़ा मिक्स सर्च करते हैं अमेजोन पे कैसा क्या रेंज है, नहीं है। वैसे मुझे पता है, मैंने एक टाइम पे देखा था 4,000 रुपए, 3,500 रुपए के रेंज पे आता है, बट उतना रेंज पे तो मैं लूंगा नहीं, तो थोड़ा कम रेंज पे जाएंगे, तो रेंज देखेंगे, थोड़ा रिव्यू में भी देखेंगे कैसा है नहीं है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। नहीं भी ले सकते फाइनली, वो भी मैं बता देता हूँ। तो गाइज मैंने अमेजोन ओपन कर लिया है, अभी देख सकते हो इधर पे रेफरेंस पे भी दिखा रहा है, इधर पे मुझे सजेस्ट भी कर रहा है कि बाई करने के लिए ये सब ट्राईपॉड्स हो। मैं सर्च कर रहा था बेसिकली कैसे कैसा सेटअप होता है, भाई यकीन नहीं करोगे 14,000 तक 20,000 तक ट्राईपॉड जाता है। मैं देख के पागल हो गया कि इतना इससे में तो फ़ोन आ जाता है अच्छा सा, तो ये लोग बेच रहे हैं 20,000 में ट्राईपॉड, तो अच्छा धंधा है। चलो अभी हम लोग मिक सर्च करते हैं, वायरलेस मिक। वैसे ये डिजिटिक का मुझे अच्छा लगता है। अभी देखो सोनी का 8,000-9,000 का मेक है, डिजिटिक का ये आ रहा है वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम और DSLR। इतना बजट है नहीं मेरा, डिजिटेक का थोड़ा कॉस्टली है, सोनी का तो और कॉस्टली है, सोनी का 9,000 का आता है, ये एकदम फाड़ू साउंड देगा उसमें। 35,000 का मेक है भाई, बापरे बाप, पैसा हो तो क्या क्या नहीं मिलता है वहाँपड़े। मतलब देखो मैं अभी तक जितना देखा हूँ उसमें से ये ग्रेनाडो ब्रांड है जो थोड़ा कम में दिख रहा है, मतलब बजट में दिख रहा है, मैं 2,000-2,500 के आसपास ही लूँगा। 2,500 भी ज़्यादा हो रहा है मेरे लिए, मैं 2,000 में देख रहा था, लेकिन अभी 2,000 में आ तो रहा है, लेकिन उसमें रेटिंग्स बहुत कम लोगों ने दिया है। और जैसे इस ग्रेनाडो का देखो जैसा दाम कम हुआ, लेकिन 6 लोगों ने सिर्फ रेटिंग किया है और 2.5 का रेटिंग है, मतलब रेटिंग खराब है तो ले नहीं सकते इसको ना। तो गाइज मैंने बहुत सारा मिक देखा, बट मिक बहुत बजट के बाहर आ रहा था, वो 4,000-5,000-10,000 ऐसा आ रहा था, तो अभी तो उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी उतना फिजिबल भी नहीं है, अभी स्टार्टिंग फेज में, तो थोड़ा वेट कर जाते हैं। वायरलेस मिक बाद में देखेंगे, अभी तो ठीक है, अपने अपने गले से काम चल रहा है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और अभी भी कुछ प्लान नहीं है, संडे है, ऐसे ही घर पे चल रहा है अपना काम। और मैं सोच रहा था कुछ वीडियोस का आइडिया सोच रहा था, कुछ आ रहा था दिमाग में, बट अभी भी फाइनलाइज नहीं हो पाया, तो जो भी वीडियो करूँगा वो तो अभी नेक्स्ट वीक ही हो पाएगा, इस वीक तो नहीं होगा क्योंकि आधा दिन बीत गया है और मेरा वीडियोस भी वैसे बहुत बड़ा होता है तो उसमें टाइम तो लगेगा। तो अभी सोच रहे हैं क्या किया जाए, देखते हैं, कुछ प्लान बन रहा है ऐसे मूवी देखने का, बट अच्छा मूवीज़ भी वैसे नहीं है, तो कुछ घर पर देख लेंगे और मे बी शाम को बाहर निकलेंगे थोड़ा बाइक राइड पर, बट अभी भी श्योर नहीं है। गाइस अभी मेरा लंच हो गया है, अभी मैं बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाहर निकलूँ, थोड़ा घूम घूम के आऊँ, क्योंकि छुट्टी का दिन है और मैं ऐसे ही बैठा हूँ, तो देखते हैं। अभी कुछ ठीक नहीं किया है, तो ये देखो धूप अभी बिल्कुल नहीं है, तो चाहे तो बाहर निकल सकते हैं, बट थोड़ा वेट करते हैं, लंच अभी कंप्लीट हुआ है तो थोड़ा वेट करते हैं, फिर देखते हैं शायद शाम को कहीं जाए। मेरे रूम पर एक और ब्लॉगर बैठी है यहाँ पर, तो एडिट चल रहा है अभी उधर पर। यार आजकल सब यूट्यूबर बन रहे हैं, मतलब अच्छा चीज़ है ये, मतलब इंडिपेंडेंट हो रहा है लोग, पहले तो इतना क्रेज़ नहीं था इसका, बट अभी हो रहा है ये अच्छा है। वैसे मैंने इससे पहले एक चैनल शुरू किया था, बट वो फेल हो गया, फेल नहीं हुआ, बंद हो गया, क्योंकि कोविड आ गया था, मतलब मैंने चैनल शुरू किया था उसके एक महीने बाद ही कोविड आ गया था, तो बंद हो गया था, तो उसके बाद फिर कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो अभी फिर से मैं स्टार्ट किया हूँ अपना चैनल, तो देखते हैं कितना आगे बढ़ पाते हैं। तुम लोग ज़रूर सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो भी बताना, बुरा लगे तो भी बताना, कमेंट सेक्शन ओपन है सबके लिए, और गाली गलौज मत करना। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। Hey guys, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, एक्चुअली बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया लंच के बाद फिर से, क्योंकि कुछ वैसे दिखाने को था नहीं, तो लंच के बाद मैं थोड़ा सा वो कुछ सीरीज़ देख रहा था, कुछ मूवी सर्च कर रहा था, फिर सीरीज़ देखने लग गया कोबरा का ही, उसके बाद मैं थोड़ा सा सो गया। अभी जाएंगे एक मॉल पे, वहाँ पे जाएंगे, घूमेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। गाइज अभी मैं बर्गर किंग पे हूँ, तो सारा दिन मैं कहीं पर निकलना नहीं हुआ, संडे था फिर भी नहीं निकला, कहीं पर घर पर ही था, तो अभी जाके फैमिली के साथ थोड़ा बाहर आया हूँ, थोड़ा जैसे बोला था मैंने खाने पीने के लिए, तो अभी बर्गर किंग पे मैं आया हूँ, इधर थोड़ा खाएंगे पियेंगे और फट से घर। गाइज अभी यहाँ पर जो जो ऑर्डर किया है ये रहा विल, और इधर पे जो जो हमने ऑर्डर किया है वो है 3 वेज हॉपर और 1 शायद और 3 बेरी ब्लास्ट है और
एक क्या है और एक शायद वो फ्राई है, मीडियम फ्राई, यही ऑर्डर किया है तीनों लोगों के लिए। वैसे बर्गर किंग में मैं पहली बार खा रहा हूँ, तो आप लोगों में से किसी को पता हो तो यहाँ का खाना कैसा लगता है आप लोगों को कमेंट में बता सकते हैं। मैं खा के देखता हूँ, मैं केएफसी में खा चुका हूँ, बहुत अच्छा लगता है बर्गर किंग में, ये पहली बार है तो देखते हैं कैसा है। इसका शेक बहुत अच्छा है, मैंने पहले एक बार ट्राई किया है, बर्गर ट्राई करते हैं इसका। गाइस ये हम लोगों का खाना आ चुका है, ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था, तीन बर्गर है, तीन फ्राइज और यहाँ पर तीन शेक है। गाइस पहला बार मैंने ये बर्गर किंग का बर्गर ट्राई किया है, वेज वाला अच्छा है, मतलब ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छा। मैंने हमेशा से केएफसी वाला खाया था, मैंने सोचा था शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन अच्छा है, गुड है। और जो शेक लिया है ब्लूबेरी ब्लास्ट, वो बहुत ही अच्छा है, ये मैंने पहले भी ट्राई किया है, तो अभी फिर से बहुत दिन बाद मैं पी रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस फाइनली आज का दिन जो है वो ख़त्म हो गया, आज संडे था और वैसे मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, तो गाइस आज यही ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और बिग बैन में जो सब कंटेंट दिखाया जाता है वो भी तुम लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करो। तो नेक्स्ट वीक फिर से एक यूनिक और धमाकेदार कंटेंट लेकर तुम लोगों से मिलता हूँ, तब तक तुम लोग सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुम लोगों से मिस ना हो। थैंक्स, टाटा, बाय बाय।